हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्लूबेरी मफिन्स की बहुत ही सिंपल इजी सी रेसिपी। ये मफिन बहुत सॉफ्ट एंड फ्लफी बनते हैं। इनको आप सुबह ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, गेस्ट को सर्व कर सकते हैं, चाय कॉफ़ी सबके साथ बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चों को भी पसंद आते हैं। मगर वीडियो शुरू करने के पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। यहाँ पर मैंने लिए हैं ये थोड़े से ब्लूबेरीज़ और इसमें मैं डाल रही हूँ ये थोड़ा सा मैदा। इससे क्या होगा, ये जो ब्लूबेरीज़ हैं ये बेकिंग के टाइम पे नीचे सिंक नहीं करेंगी। मैंने ब्लूबेरीज़ को पहले बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था और एयर ड्राई कर लिया था। अब इसमें मैदा बहुत अच्छे से कोट हो चुका है और अभी हम इसको साइड में रख देंगे और आगे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर लिया है मैंने ये 1.5 कप मैदा और ये जो कप साइज़ लिया है मैंने ये 180 ml का लिया है और इसके साथ मैंने डाला है इसमें 1 teaspoon बेकिंग पाउडर और 2 से 3 चुटकी नमक। अब हमें इन सब चीज़ों को छान लेना है और छान कर अलग रख लेना है। आप चाहें तो आप ये जो मफ़िन है ये मैदे की जगह आटे से भी बना सकते हैं, मगर जो उसका टेक्सचर होगा वो थोड़ा सा डेंस होगा, मगर टेस्ट में कोई कमी नहीं आएगी। अब मैदा मैंने छान लिया है और यहाँ पर लिए हैं ये 3 अंडे। अंडों को आपको रूम टेम्परेचर पे लेना है, इसको आपको ठंडा यूज़ नहीं करना है। साथ में डाला है मैंने इसमें ये 1/2 कप ऑयल और 1 कप शुगर। शुगर मैंने बारीक वाली ली है, अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल चीनी को पाउडर बना के भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें अंडों को बहुत अच्छे से फेंटना है, इसको इतना फेंटना है जितनी देर में ये लाइट हो जाए और फ्लफ़ी हो जाए, बिल्कुल इस तरह से। अब यहाँ पर अंडे फिट चुके हैं और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ वनीला एसेंस 8 to 9 drops और साथ में मैंने डाला है इसमें ये मैदा जो हमने छान कर रखा था। अब मैदा को आपको बहुत ही हल्के हाथों से मिलाना है, इसको बिल्कुल कट एंड फोल्ड वाले मेथड में आपको मिक्स करना है, इसको ओवर मिक्स आपको बिल्कुल नहीं करना है। अब यहाँ पर ये मिक्स हो चुका है और मैं इसमें डाल रही हूँ ये ब्लूबेरीज़। अब ब्लूबेरीज़ डालने के बाद इसको हल्का सा 3 से 4 बार आपको मिक्स करना है, इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करना है वरना ये जो ब्लूबेरीज़ हैं ये टूट सकती हैं और इसका कलर इसमें आ सकता है। अब यहाँ पर ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी है, तो ये जो मफ़िन ट्रे है इसको लाइनर लगाकर मैंने रेडी कर लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ ये जो मिक्सचर हमने रेडी किया था। और ये जो बैटर हमने बनाया है इसमें से ये 12 मफ़िन्स आपके मीडियम साइज़ के बहुत आराम से रेडी हो जाएंगे। और यहाँ पर ये जो ट्रे है अब ये बिल्कुल रेडी है ओवन में जाने के लिए, तो मैं इसको प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पर 15 से 20 मिनट तक बेक करूँगी और 15 से 20 मिनट में ये मफ़िन जो है ये बहुत अच्छे से बेक हो जाएंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं ये 15 मिनट में मेरे मफ़िन बहुत ही अच्छे से बेक हो गए हैं और ये बहुत सॉफ्ट बनते हैं, बहुत फ्लफ़ी बनते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उम्मीद है ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।